अब कटाना। तो ये अनबॉक्सिंग हो गया। अरे भाई सामान निकल रहा है इसमें तो, आज तो मजा आ गया। ओ तेरी, इतना सारा सामान। ओ तो मैं ये ले आया हूँ पार्ट टू वीडियो इस वीडियो का, और आज हम इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिसको देखकर आप बोलोगे मजा आ गया। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि आप इन सब सामान को कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें ठीक से नहीं बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सभी सामान को कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं बिल्कुल चीप प्राइस में। तो इस वीडियो में बने रहें और आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ देखने को मिलेंगे। गजब। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपना एक सपोर्ट तो कर ही सकते हो। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छे अच्छे रील्स पोस्ट करते रहता हूँ। सो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस अनबॉक्स करने के लिए मैंने इसको फिर से पैक कर दिया है। ओके तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है मेरे पास खतरनाक और खूंखार कटर। अब कटाना। तो ये अनबॉक्सिंग हो गया। अरे भाई सामान निकल रहा है इसमें तो, एक एक करके हम इसमें से सामान निकालते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ओ भाई गजब। भाई गाइस देखो कितना सारा सामान है इसके अंदर निकल गया। तो ये है 705 डीसी मोटर और ये है 555 डीसी मोटर। ये देखो दोनों का साइज। ये है बहुत सारे लिथियम आयन बैटरीज, देख सकते हैं भाई गजब का है। इसमें से एक बैटरी 2000 mAh के है 3.7 वोल्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और अमेजिंग है। और ये है बहुत सारे गियर मोटर। ये मेरे पास डुअल शाफ्ट का गियर मोटर है, देख सकते हैं दोनों साइड हम इसमें व्हील लगा सकते हैं। और ये है ग्रीन LED, ये देखो ये भी मेरे पास बहुत सारे है। भाई देखो क्या गजब का लग रहा है, मज़ा आ गया। ये है RGB लाइट, ये देखो इस RGB लाइट में ये चार टांगे होती हैं। रुको मैं जूम करता हूँ। और ये है मेरे पास बहुत सारे व्हील्स, ये देखो ये व्हील्स इस गियर मोटर में लगता है, यहाँ पर कुछ इस तरह से लग जा रहे। ये है मिनी 5 वोल्ट का बजर। ये है 12 वोल्ट DC सॉकेट, यहाँ पर हम लीड को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हमें पावर मिलेगा आउटपुट, यहाँ से इनपुट, यहाँ से आउटपुट। ओके गाइस लाइट चली गई, कोई बात नहीं। यह है TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल। सो यह है टाइप सी, देख सकते हैं हम इसमें टाइप सी केबल कनेक्ट कर सकते हैं और इधर से हम आउटपुट ले सकते हैं चार्जिंग करने के लिए। खुल जा सिम सिम। ये रहा सोल्डरिंग वायर्स, लाइट आ गई। ये है रिले कॉइल, सो ये देखो 5 वोल्ट का है। ये म्यूजिक प्लेयर BT किट, ये देखो इसमें हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, यहाँ पर हम SD कार्ड लगा सकते हैं। ये है चार्जिंग करने के लिए और ये है एक स्विच बटन इसको ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर हम एक बैटरी और एक स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है ब्लूटूथ कनेक्टेड, यहाँ पर देख सकते हैं इसका एंटीना, इसको हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं और फोन से गाना चला सकते हैं। ये प्यारा सा छोटा सा नैनो आर्डिनो। ये मेरे पास 10 पीस थे लेकिन अभी मेरे पास ये एक ही बचा हुआ है, बाकी सब मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह में सेल कर दिया है। ये है बहुत सारे लेजर लाइट्स, ये देखो ये बहुत सारे छोटे छोटे लेजर लाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दीवार को भी आर पार कर देगा। मजाक कर रहा हूँ, देखो जल गया है ना, कमाल का। ये है CD4017 IC, इसके यूज़ करके मैंने एक वायरलेस करंट टेस्टर बनाया था, सो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, ये देखो 548547 2NN, सो इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स है। और ये है मेरे पास 555 टाइमर IC, ये देखो। और ये है मेरे पास बहुत सारे आर्डिनो UNO, ये देखो। सो इसमें से मेरे पास ये है SMD वाला और ये है माइक्रो कंट्रोलर। और ये जो आर्डिनो है ये सभी मेड इन इंडिया है। यहाँ पर ये मेरे पास 10 आर्डिनो थे लेकिन मैंने बहुत सारे आर्डिनो को सेल कर दिया है। ये है आर्डिनो नैनो और UNO का केबल। सो इसका क्वालिटी देखो, ये बहुत अच्छा है, लचीला है बिल्कुल और सॉफ्ट है। ये है HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसको यूज़ करके हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं वायरलेस, ये देखो। तो ये मेरे पास ओनली 2 पीस ही है। मेरे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंसर्स हैं, जैसे कि ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये एक डिस्टेंस सेंसर है और इसके यूज़ करके मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि ब्लाइंड स्टिक। और ये है RFID रीडर मॉड्यूल, सो इसको भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये है RFID रीडर मॉड्यूल, इसका रीडर। ये है रेन ड्रॉप सेंसर, ये वाटर को डिटेक्ट करता है, मतलब ये रेन को डिटेक्ट करता है। ये है मेरे पास बहुत सारे IR सेंसर, सो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरे पास जितने भी सेंसर्स हैं ये सभी मेड इन इंडिया है।
ये है MQ3 एल्कोहल सेंसर। सो इसके यूज़ करके मैंने एल्कोहल डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट बनाया था। यह है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, इसके यूज करके मैंने स्मार्ट ब्रिज का प्रोजेक्ट बनाया था। इसके अंदर बहुत सारे हैं सेंसर, ये देखो ये है बहुत सारे रिले मॉड्यूल्स। तो इसमें मेरे पास सिंगल चैनल और डबल चैनल दोनों हैं, ये होते हैं वन चैनल रिले। बहुत सारे सर्वो मोटर्स, ये देखो SG90। सो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इसको यूज़ करके हम रोबोट वगैरह बना सकते हैं, स्पाइडर। ये है L298 एंड मोटर ड्राइवर, ये देखो यहाँ पर हम दो मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। और गाइज ये है ESP8266 नोड MCU मॉड्यूल, सो IoT प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं वाईफाई से कनेक्टेड। ये है इसका वाईफाई मॉड्यूल, और इसको यूज़ करके मैंने एक रोबोट भी बनाया था वाईफाई कनेक्टेड, वाईफाई टॉकिंग रोबोट। ये है ESP32 कैम, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा कैमरा लगा हुआ है जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ये वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ है छोटा सा, और इसको कोडिंग करने के लिए अलग से ये लेना पड़ता है USB। सो इसको हम यहाँ से कुछ इस तरह से लगाते हैं, ये लग गया। और यहाँ पर हम केबल कनेक्ट करके कोडिंग इसको कर सकते हैं। ये है 16:2 LCD डिस्प्ले, ये देखो। ये है जंपर वायर्स, और इसके यूज़ हम आर्डिनो प्रोजेक्ट्स बनाने में करते हैं, ये फिर ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन करने के लिए करते हैं। सो ये है मेल टू मेल, ये है मेल टू फीमेल, और ये है फीमेल टू फीमेल जंपर वायर। ये है मेरे पास बहुत सारे ग्लू स्टिक्स, ये देखो। तो इसके यूज़ हम प्रोजेक्ट्स वगैरह क्राफ्ट बनाने में यूज़ करते हैं ग्लू गन से। ग्लू गन में इसका यूज़ होता है, कुछ भी चीज़ हम स्टिक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और मजबूत स्टिक होता है। तो गाइज ये देखो, ये है वो सारे सामान, देख सकते हैं। ये है बैटरी, DC मोटर, व्हील्स, ये LED लाइट, सेंसर, आर्डिनो वायर्स, जंपर केबल, बहुत सारे सामान है मेरे पास। यहाँ पर सर्वो मोटर, बैटरी वगैरह सब कुछ है, चार्जिंग मॉड्यूल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये पावर बैंक बनाया था इसको यूज़ करके। ये 10,000 mAh का पावर बैंक है भाई, इसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो शूट किया था, सो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। यह है कैमरा, नोड MCU, वाईफाई डिस्प्ले। सो इन सबको आप कहाँ से खरीद सकते हैं तो अब यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सो भाई वीडियो को अच्छे से देखो यहाँ से, ओके। अब आप वेट कर रहे होंगे कि आप इन सब सामान को कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, कहाँ से आप इनको खरीद सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा वेबसाइट कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट हरीश प्रोजेक्ट्स का। तो आप उस वेबसाइट से बिल्कुल चीप प्राइस में, बिल्कुल अच्छे प्राइस में इन सभी सामान को ऑर्डर कर सकेंगे। जैसे ही हमारा वेबसाइट लॉन्च होता है तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मेरे दोनों यूट्यूब चैनल में, और मेरा व्लॉग चैनल है, उस सब में मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। सो भाई मेरे तीनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये रहा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर फॉलो भी जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ और रील्स भी पोस्ट करते रहता हूँ। ये जो सारे कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये सारे वहाँ पर अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पर, जहाँ से आप इनको बिल्कुल अच्छे प्राइस में ऑर्डर कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको रिटर्न पॉलिसी, कैश ऑन डिलीवरी, सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, ओके। तो मई में ही हमारा वेबसाइट लॉन्च हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट तो करना बनता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।